हरियाणा की महिला रेसलर साक्षी मलिक एक बार फिर चर्चाओं में आ गई हैं। इस बार उन्होंने सोशल मीडिया पर कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से भी कुश्ती का भविष्य बचाने की अपील की है। आप भी सुनिए साक्षी ने क्या कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और खेल मंत्री जी, आपको मेरा नमस्कार। पिछले साल रेसलिंग फेडरेशन के इलेक्शंस हुए, उससे अगले ही दिन बृजभूषण की बेहूदगी और दबदबे को आपने और पूरे देश ने देखा, जिससे दुखी होकर और बड़े परेशान मन से मुझे अपनी कुश्ती को त्यागना पड़ा। उसके बाद सरकार ने रेसलिंग फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में रेसलिंग फेडरेशन ने फिर से अपनी गतिविधियां चालू कर दी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, सरकार द्वारा सस्पेंडेड फेडरेशन कोई भी गतिविधियां कैसे संभाल सकती है, तो हाईकोर्ट ने उन गतिविधियों पर रोक लगा दी। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन ने हाईकोर्ट के एक भी आदेश का पालन नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह से मिल रही धमकियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मदद मांगी है, साथ ही कुश्ती के भविष्य को बचाने की अपील की है। और पिछले कुछ दिनों से बृजभूषण से जुड़े लोगों की मेरे पास धमकियां आ रही हैं कि आप नॉर्दर्न रेलवे में बच्चों की भर्तियां देखती हैं, आप पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए जाएंगे। सर, मुझे उन धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे दुख होता है रेसलिंग के खराब भविष्य को देख करके। सर, मेरा आपसे निवेदन है, हमारी कुश्ती को बचाइए। साक्षी के इस नए वीडियो के निकलते ही कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। माना जा रहा है कि साक्षी ने जो बृजभूषण पर दावा किया है उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, वरना वो खुले मंच से पीएम से गुहार न लगाती। कुछ साल पहले कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट, पहलवान बजरंग पुनिया समेत कई खिलाड़ियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, अब उन्होंने सीधा पीएम से मदद मांगी है। ऐसे में माना जा रहा है कि साक्षी के दावों में दम है। ऐसे में बड़ा सवाल भी है कि क्या पीएम मोदी अब खुद इस मामले पर गौर करेंगे या नहीं। बता दें, हाल ही में रेसलर साक्षी मलिक अपनी किताब विटनेस को लेकर काफी चर्चाओं में आई थी, जहां उन्होंने विनेश फोगाट, बबीता फोगाट को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए थे, जिस पर खासा बवाल हुआ था। मीडिया से बातचीत के दौरान भी साक्षी ने माना कि कुछ लोगों ने उनके आंदोलन को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, जिससे उनका प्रदर्शन कमजोर पड़ गया। ऐसे में अब क्या सरकार बृजभूषण पर एक्शन लेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये घमासान इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है।